क्योंकि वैष्णवी दीक्षा से संपन्न होने वाला ब्राह्मण नाम का आश्रय लिया रहेगा, और नाम जप करने वाले की महिमा कितनी बखान करें। हमारे वृंदावन में एक मोटे गणेश जी हैं, जो लोग वृंदावन गए होंगे श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन किए होंगे, तो राधा वल्लभ जी के पास मोटे गणेश जी हैं, तो वहां के महंत जी थे दुर्गा प्रसाद जी, एक उनके शिष्य थे, उनके शिष्य ने उनसे भजन की पद्धति पूछी और नाम जप में लग गए। अब जब वो जो महात्मा थे शिष्य थे भजन करते नाम जप करते, तो बेचारे जैसे ही माला लेकर बैठते और माला जपना प्रारंभ किए, तुरंत उनको जय हो जय हो जय हो ऐसे शब्द सुनाई पड़ते। अब आप ही सोचिए कि प्रातः काल 4:30 पे उठ के जो संध्या कर रहा हो, नाम जप कर रहा हो, अकेले हम बैठे हुए और जय हो जय हो के शब्द सुनाई पड़े, कोई दिखाई भी ना दे, तो व्यक्ति भयभीत तो हो ही जाएगा। गुरु जी के पास पहुंचे, सारी बात बताई कि गुरुदेव जैसे ही मैं नाम जप करने को बैठता हूं जय हो ऐसा उद्घोष सुनाई पड़ता है। दुर्गा प्रसाद जी ने जैसी ही यह बात सुनी तो महात्मा जी रोने लग गए, अभी और घबरा गए, कौन सी बात है, रो क्यों रहे हैं। बोले, पुत्र तुम धन्य हो, ये जय हो के शब्द किसी और की नहीं है, अनंत जन्मों से जितने भी तुम्हारे पितरगढ़ हैं, तो जब तुम माला लेकर बैठ के नाम जप करते हो तो उस नाम के प्रभाव से वे सब के सब तर जा रहे हैं, उन सब का सब वे सब के सब वैकुंठ को जा रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारा जय जयकार कर रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, तुम भयभीत मत हो, अगले 6 महीने तक ये जय घोष तुम्हें सुनाई पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हारे जितने भी पितर हैं सब के सब मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी है नाम की महिमा। कहते अन्य साधन करने वालों को कहीं ना कहीं भटकाव हो सकता है, लेकिन नाम जापक को कभी भटकाव नहीं हो सकता।